हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी प्रिंस। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप 10th कर लिए हैं या आप ITI कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप हायर क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, दैट इज़ योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसको कि आप लोग डिप्लोमा भी कहते हैं। तो गाइज, अभी जो है देख पा रहे होंगे झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, जो कि झारखंड सरकार की तरफ से एक जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ की अगर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि 3 वर्षों का होता है, और 10th करने के बाद 3 साल का, और डिप्लोमा करने के बाद लेटरल एंट्री ITI करने के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू 2 साल की अवधि का ये कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर भी ही हम लोग आज बात करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 7/5, कहने का मतलब कि आज के ही डेट में इसके जारी किया गया है, 7/5 को जारी किया गया है, और ये पॉलिटेक्निक का जो है इंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड जो है ये फॉर्म है। जब तक आप इसको नहीं दीजिएगा, मतलब इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, ठीक है, तब तक आप सरकारी कॉलेज या फिर PPP जो आपका मॉडल है, ठीक है, PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल के तहत जो चलता है आपका, ये आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसमें हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात भी लिखी गई है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, जहाँ की ये चीज़ें जो हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ उसमें डिमांड्स क्या क्या रखे गए हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में बोला गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो सरकारी कॉलेज हैं जो PPP मोड पे चलते हैं वो, और फिर तीसरा जो कि प्राइवेट कॉलेज है, सभी के लिए ये नोटिफिकेशन। ये सत्र कौन सा हो गया, देखिए 22-23 सत्र के लिए, जो कि फर्स्ट वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी आवेदन मांगे गए हैं लड़कों से शैक्षणिक योग्यता की। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे क्या मांगा गया, माध्यमिक या 10वीं या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 35% अंक होना चाहिए, ठीक है, 35% आपका एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है 10th में या फिर ITI में, इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अब देखिए आयु सीमा की अगर बात करूँगा, तो आयु मिनिमम जो है 1/7/2022 तक 17 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो रोड डेट्स देख लीजिए यहाँ पे। ऑनलाइन जो आवेदन जो भराएंगे वो 9/5 से भराएंगे, मतलब 9 मई से फॉर्म फिलअप होंगे, और अंतिम तिथि जो है वो 23/5 तक रहने वाली है। उस वक्त जो ऑनलाइन आप लोग का एडमिट कार्ड जो वेबसाइट पर जारी किया जाएगा वो 4 दिन पहले, परीक्षा से 4 दिन पहले, और परीक्षा कब होने वाला है, तो आपका 19/6 को होने वाला है, मतलब कि 19 जून को एग्जामिनेशन आपका होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन यहाँ पे तो नहीं लिखा गया, ये OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा 4 दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 15 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेंगे फीस कितना लगने वाला है भाई, तो देख लीजिए EWS कैटेगरी के लिए जो है उनको लगने वाला है यहाँ पे EWS और फिर पिछड़ी जाति हो गए या फिर सामान्य जनरल कैटेगरी को 650 रुपये लगेगा, और यहाँ पे ST SC कैंडिडेट्स को ले जाएगा 325 रुपया लगने वाला है, ठीक है। जो दिव्यांग हैं या जो कि PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी आवेदन शुल्क देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, तो सोच समझ के आप लोग को अप्लाई करना है। चलिए आगे यहाँ पे बात कर ले, तो कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको jceceb.jharkhand.gov.in ये जो वेबसाइट है इस पर आपको पहुँचना होगा, और वहाँ पर ये जो लिंक एक्टिव हुआ रहेगा, ठीक है, JCECEB 2022 ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिशन, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के जो है फॉर्म वाला लिंक एक्टिव हो जाएगा। अभी एक्टिव है नहीं, तो मैं आपको खोल के जरूर दिखाता, ठीक है, 9 तारीख से एक्टिव होने वाला है। ओके, देन यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो कि दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है। इसका सिलेबस की बात करूँगा, तो सिलेबस आपका 10th आधारित जो है प्रश्न रहेंगे इसमें, आप लोगों को पता ही होगा, तैयारी जो बच्चे करते हैं उनको भी पता होगा। अब आरक्षण की बात करें, तो जो भी राज्य सरकार में जो भी चीज़ें हैं आरक्षण से, वो सभी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे सीधे वेबसाइट पे आ चुके हैं, देखिए ये वेबसाइट आप लोग को खोलना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसे, हालांकि 9 तारीख से चीज़ें एक्टिव होगी। अब यहाँ नीचे जैसे जाइएगा, तो यहाँ देखिए क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे ये चीज़ें जो है खुल जाएंगी, जैसे ITI एडमिशन 2021-22 का भी फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, प्रीवियस सेशन का दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे ही जो इसका आएगा, जो आपका 22 वाला जो होगा, तो यहाँ पे ही इसके ऊपर ही देखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे आपको यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। तो आई होप गाइस कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा जितनी भी है, और यहाँ पे जो है इस पर और भी फर्दर जो अपडेट्स आते रहेंगे आप तक जरूर मैं पहुँचाऊँगा, लाइक एडमिट कार्ड्स आया या फिर रिजल्ट आया या काउंसलिंग वगैरह, सभी चीज़ें मैं आप लोग को पिछले साल भी प्रोवाइड करा था, इस साल भी कर दूंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी न्यू आप लोग चैनल पे होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, दोस्तों के वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे सारी जानकारियाँ आप लोग को टाइम टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए आप लोग से फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।